And good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So today we will study about Hindi language chapter number 10. बच्चों आज हम हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज करना होना क्रिया. यानी आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? क्रिया के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. एवरीवन लुक एट द ब्लैक बोर्ड. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे. क्रिया की परिभाषा. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहित खेलता है. यानी कि हमें किसी कार के बारे में पता चलना है कि कार हो रहा है, कैसा कार है, वो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे क्रिया. यानी काम का होना या करना जो है क्रिया को बताता है. पहला बच्चा है जो क्या कर रहा है? खेल रहा है. तो जो खेलता है ये क्या होगा? क्रिया हो जाएगी. नंबर टू, अमन पढ़ता है. अमन एक बच्चा है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है. तो यहाँ पे पढ़ता क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी. अनुराधा गाती है. यानी लड़की है जिसका नाम अनुराधा है वो गाती है. तो गाती क्या है? क्रिया है. यानी अनुराधा क्या कर रही है? गा रही है. इसके बारे में पता चल रहा है कि अनुराधा गा रही है. नंबर फोर, शिखा खाती है. यानी कि शिखा एक लड़की है, क्या कर रही है? वो कुछ खा रही है. तो जो खाती होगा वो क्या हो जाएगा? आपका क्रिया हो जाएगा. इसी प्रकार जो शब्द किसी कार्य के करने या होने की जानकारी दे वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं. आगे हम क्या पढ़ेंगे? जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं. मनुष्य द्वारा काम किए जाते हैं जबकि प्रकृति द्वारा काम अपने आप होते हैं. जैसे कि हमने बताया कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा होते हैं. सबसे पहले क्या है? एक नोट है. जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं. यानी कि जो काम कर रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल है मोहित खेलता है. तो कौन खेलता है? मोहित खेलता है. तो यहाँ पर मोहित क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा. और कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, यानी कि जो अपने आप होते हैं उसे मनुष्य नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे नदी बह रही है. यानी कि जो नदी है, रिवर जो बहती है, वो अपने आप बहती है. किसी को बहाता तो नहीं, वो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के द्वारा बहती है. तो ये काम होते हैं कुछ ऐसे जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होते हैं. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वर्षा हो रही है. यानी कि जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो भी प्रकृति के द्वारा ही होती है और अपने आप होती है, उसे कोई मनुष्य नहीं करता है. आगे हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया के भेद. यानी कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं. पहला होता है अनुमक क्रिया और दूसरा होता है सर्वनामक क्रिया. अकर्मक क्रिया उसे बोलते हैं जिनके साथ कर्म ना आए. यानी कि अकर्मक क्रिया उसे बोलते हैं जिनके साथ कर्म ना आए, यानी कोई काम ना आए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, पक्षी उड़ते हैं, यानी पक्षी है उड़ रहे हैं. और सकर्मक क्रिया वो होती है जिनके साथ कर्म आए, यानी कि जो कार्य हो रहा है वो आए. तो वो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा. जैसे कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, यानी कि जिसमें कर्म आए वो क्या होगा? सकर्मक होगा. और जिसमें कर्म ना आए वो अकर्मक होगा. आगे हम क्या करेंगे? आगे हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. लेट्स कंटिन्यू. आगे हम क्या पढ़ेंगे? सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? हम डिटेल से पढ़ेंगे, यानी विस्तार से पढ़ेंगे. सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं. सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसके साथ कर्म हमेशा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है. और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसके साथ कर्म
कर्म क्रिया और दूसरी अकर्म क्रिया। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप होती है, मनुष्य के द्वारा नहीं की जाती है, जैसे कि प्रकृति के द्वारा, यानी कि जैसे कि नदी बह रही है या वर्षा हो रही है, ये सब क्या होते हैं, अपने आप क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा